सूरज गगनपुर में अपने परिवार के साथ रहता था सूरज बहुत ही नेक और सीधा इंसान था वहीं उसकी पत्नी नीलम बहुत तेज दिमाग वाली थी बेटा पिंकी तेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब तक खत्म हो जाएगी पापा बस एक साल और उसके बाद तो मुझे कॉलेज वाले ही किसी कंपनी में जॉब दिलवा देंगे फिर तो तू बड़ी इंसान बन जाएगी और हम सबको भूल जाएगी है ना पापा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं आपने ही तो सब कुछ किया है मेरे लिए मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ और आपको ही क्या मैं तो किसी को नहीं भूलूंगी आप सब मेरे अपने हो जब तू कमाएगी तो मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाना अपनी सैलरी से दीदी -दी, मुझे तो ढेर सारे ज्वेलरी दिलवाना दीदी मुझे एक बाइक और पॉकेट मनी देना नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मेरे लड़की इतना सब नहीं करेगी उसे हमें प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी अरे घर की बड़ी बेटी है उसके छोटे भाई बहन तो उससे उम्मीद रख ही सकते हैं इसमें क्या गलत है फिर हमने इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया है हमारे लिए तो करना इसका हक बनता है अरे वही सब कर देगी तो मैं क्या करूँगा मैं इस घर का बड़ा हूँ आप कब तक करेंगे जी आपकी भी तो अब उम्र हो रही है जब तक कर सकता हूँ तब तक तो, तो करूँगा ही अपनी लड़की पर बोझ नहीं बनना है मुझे पापा आप ये सब क्या सोच रहे हैं आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की है पढ़ाया है मुझे आपके लिए सब करना मेरे लिए गर्व की बात होगी सूरज की बात आरती को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कुछ साल बाद नीलम कमाने लगी थी सूरज भी अपना काम कर रहा था पर यह आरती को पसंद नहीं था आप बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं अब आपको आराम करना चाहिए जी अरे तो क्या अपनी लड़की पर बोझ बज जाओ आपने उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया आपके लिए क्या वो बोझ थी वो मेरी बेटी है मेरा फर्ज था उसे पढ़ाना लिखाना सुबह सुबह तुम ये कैसी बातें कर रही हो अगर आपने अपना फ़र्ज पूरा किया है तो उसका फ़र्ज भी उसे पूरा करने दो अरे मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है न जाने क्या सोचने लगी हो कभी सोचा है आपने आपकी उम्र क्या है कल को चलते फिरते कोई बात हो जाए आपको चोट चपेट लग जाए तो आपकी लड़की का कितना पैसा खर्च हो जाएगा तो तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ को नीलम अब अच्छा खासा कमा रही है आप इस बुढ़ापे के शरीर को दौड़ाना बंद कर दो और उसे घर के सारे खर्चे उठाने दो ठीक है जैसा तुम कहती हो वैसा ही करता हूँ इधर सूरज आरती की बातों में आकर अपना काम छोड़ देता है वहीं दूसरी तरफ आरती अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढती है सुनिए अब नीलम ना बहुत बड़ी हो गई है उसके लिए कोई अच्छे परिवार का लड़का देख कर उसकी शादी कर देते हैं हाँ मैं भी यही सोचता हूँ आखिर लड़कियाँ तो पढ़ाई होती है बेटियों को कब तक घर पर रख सकते हैं कोई अच्छे घर आने का लड़का देखेगा ताकि उसे कभी प्रॉब्लम ना हो हाँ उसे जॉब भी करने दे ऐसा ही कोई लड़का ढूंढना होगा इतनी मेहनत से पढ़ लिख कर मेहनत करके उसने खुद को इस मकाम पर पहुंचाया है आरती तुम ना अपने हिसाब से कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो उसे जॉब करने से भी ना रोके और उसका पूरा ख्याल रखे आरती जब कोई रिश्ता लेकर आती तब नीलम के छोटे भाई बहन उस लड़के को ऐसा वैसा कुछ ना कुछ कह के, के भगा देते नीलम के भाई बहनों को यह डर था कि कहीं शादी के बाद उनका खर्चा पैसा देना नीलम के ससुराल वाले बंद ना करवा दे पिंकी अशोक तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है तुम लोग उन्हें भगा देते हो मम्मी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया दीदी की शादी हो जाएगी तो घर का खर्चा कौन उठाएगा पापा से अपने पहले जॉब करने के लिए मना कर दिया दीदी की भी शादी करने पे तुलियो उनके ससुराल वालों ने पैसे देने से मना कर दिया तो बस बैठे रहना तुम दोनों बिल्कुल पागल हो गए हो नीलम को अगर एहसास हो गया कि हम उसका बस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे भी हमें कुछ मिलेगा नहीं आरती अशोक और पिंकी को समझाकर नीलम की शादी एक अच्छे घर में कर देती है नीलम के ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं कि उसे मायके में पैसे देने से मना नहीं करते नीलम कैसी है बेटा ससुराल में सब कैसे हैं सब अच्छे हैं माँ सब खुशी से चल रहा है तुम बताओ वहाँ सब कैसे हैं बस बेटा घर की जिम्मेदारियों में ही लगे हुए हैं तेरे पापा की तो उम्र हो गई है वो कुछ करते नहीं तेरे भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं उनको भी जॉब के लिए कैसे कह दूँ मैं अरे कोई दिक्कत नहीं ना माँ देखो आज ही मेरी सैलरी आई है अरे नहीं नहीं बेटा अब तो, तो अपने ससुराल चली गई है तेरे से पैसे मांगने में मुझे शर्म आएगी कैसी बात करती हूँ माँ मैं छोटी थी तो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया तो क्या मुझे शर्म आनी चाहिए थी कि मैं आपके पैसों पर पढ़ लिख कर इतना कमाने लायक बन गई अरे बेटा पर तेरे ससुराल वाले वो कुछ बोलेंगे तो माँ आप ये सब मत सोचिए विक्रम बहुत अच्छे हैं उन्होंने मुझे कभी भी कुछ भी करने से मना नहीं किया बेटा घर के बहुत सारे खर्चे हैं राशन बिजली बिल बच्चों की पढ़ाई तो कितना क्या करेगी बेटा माँ मैं अपनी आधी सैलरी आपको भेज रही हूँ उससे आपका काम पक्का चल जाएगा हर बार आरती नीलम की सैलरी वाले दिन उसे फ़ोन करती और उससे उसकी सैलरी अपने पास मंगवा लेती ये बात नीलम के ससुराल वाले नोटिस कर रहे थे विक्रम मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा क्या हुआ वो कुछ परेशान लग रही हो कोई बड़ी बात है क्या बेटा देखो हमें तो पैसों का कोई मोह नहीं है ना उसके पैसे से कोई लेना देना है पर तुझे ऐसा नहीं लगता कि नीलम के घर वाले उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे ले लेते हैं अरे माँ जाने दो ना तुम्हें क्या करना है इन बातों का मैं कमा रहा हूँ तो अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ वो कमा रही है तो उसे अपने माँ बाप के लिए करने दो विक्रम अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देता है वहीं दूसरी तरफ नीलम का भाई अशोक नीलम के पैसों पर दिन रात ऐश करता है नई बाइकें खरीदता है और अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है इसी दौरान नीलम की ननद सिमरन उसके भाई को ऐश करते हुए देख लेती है माँ आज तो मैंने जो देखा उसे देख मेरी आंखें चौंक गई ऐसा क्या हो गया बेटा माँ भाभी जितनी अच्छी है उतना ही बुरा उनका भाई है आज मैंने उसे उसके दोस्तों के साथ सड़क पर अयाश करते हुए देखा अरे सिमरन तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई नहीं माँ ऐसे तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी कि हमने कैसे घर में रिश्ता किया है उनका भाई तो भाभी की भी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है ठीक है सिमरन आज विक्रम को आने दे मैं उसे सारी बात बताऊंगी शाम को जैसे ही विक्रम घर लौटता है सरोज उसे नीलम के भाई के बारे में सब कुछ बता देती है देख बेटा हमें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं पर नीलम के साथ बहुत गलत हो रहा है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बेटा नीलम ने अपने भाई को पैसा देकर इतना बिगाड़ दिया है कि उसके भाई को अब अपनी बहन की रेपुटेशन की भी कोई परवाह नहीं ठीक है आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नीलम से ये सारी बातें करूँ विक्रम अपने मन में ये बात ठान लेता है कि उसे नीलम को किसी न किसी तरह से समझाना ही होगा दीदी मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ाई और करनी होगी तो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है क्या आप उसकी फ़ीस भर दोगे अरे छोटी ये कोई पूछने वाली बात है तो मुझे बताओ कितना पैसा लगेगा मैं तेरे अकाउंट में भेज दूंगी तू खुद ही कॉलेज की फीस भर देना ठीक है दीदी मैं फॉर्म भर के आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगी पिंकी अपनी बड़ी बहन से झूठ बोलकर पैसे ले लेती है ताकि वो बाहर जाकर घूम सके नीलम अपने पति से बता देती है कि वो इस बार की सैलरी अपनी बहन को पढ़ाई के लिए देगी पिंकी झूठा फॉर्म बनाकर अपनी बड़ी बहन को भेज देती है भाभी सुना है आपकी बहन ने सोहन कॉलेज में एडमिशन कराया है हाँ दीदी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे पैसे दिए थे तो उसने उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया भाभी वैसे उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ती हूँ मेरा सेकेंड ईयर है अपनी बहन से कहिएगा अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझसे कह सकती है अरे वाह दीदी ये तो बड़ी खुशी की बात है मैं आज उसे कॉल करके समझा दूंगी कि वो आपसे एक बार आके मिल ले पिंकी मेरी ननद भी ना सोहन कॉलेज में ही पढ़ती है तू जो कोर्स कर रही है उसी कोर्स में वो भी सेकेंड ईयर में है तो मैं क्या करूँ दीदी वो आपकी ननद है आप जाने मुझे उनसे क्या मतलब तू तो ऐसे क्यों बोल रही है कभी तुझे कॉलेज में कोई काम पड़ा तो कोई तो होगा ना तेरे साथ देने के लिए आप क्या मुझे छोटा बच्चा समझती है जो मुझे किसी की मदद लगेगी तेरा दिमाग तो ठीक है एक तो अनजान कॉलेज में है कभी रेगिंग का इश्यू हुआ कोई परेशान करे इससे अच्छा है ना कि तेरा कोई जानकार हो जो तुझे परेशान ना होने दे दीदी आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप ये कहना चाहती हैं कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ और मैं बिना किसी की हेल्प के कुछ नहीं कर सकती अरे तुझे हो क्या गया है पिंकी तू इतना तो गुस्सा क्यों कर रही है एक छोटी सी बात तो समझा रही हूँ तुझे आपने मेरी फीस क्या भर दी आप तो मुझे बिल्कुल बेकार ही समझने लगी हो एक बार मैं पैसे कमाने लगी ना तो आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी अरे ठीक है बाबा छोटी तो गुस्सा मत कर इतना मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए तो आराम से पढ़ और अपना काम कर और दीदी अपनी ननद से मना कर देना कि मेरी क्लास के आसपास भी ना भटके मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है वरना मैं कॉलेज छोड़ दूंगी यहाँ नीलम की बातें उसकी ननद सिमरन सुन लेती है सिमरन को नीलम की बहन की बातें पसंद नहीं आती भाभी आप जितनी अच्छी हो ना उतनी ही बेकार आपके घर वाले हैं मुझे तो ऐसा लगता है आपकी बहन उस कॉलेज में पढ़ती ही नहीं दीदी आप इस तरीके से क्यों बोल रही हैं मुझे नहीं पता आपके घर वाले आपसे सच बोलते भी है या नहीं पर आप इतनी सीधी है कि वो आपका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं विक्रम आज आपकी बहन ने जो भी बोला मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मैंने आज तक कभी आपके घर वालों के लिए कोई शिकायत नहीं की तो उनका हक कैसे बनता है कि वो मेरे घर वालों के लिए कुछ भी बोले सिमरन अभी के अभी नीचे आओ तुमने भाभी से क्या बोला भैया मैं भाभी की कोई दुश्मन नहीं हूँ मैंने जो भी बोला उनके भले के लिए बोला मुझे भी दिखता है कि उनके घर वाले उनके साथ क्या कर रहे हैं उनको ये सब देखना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है फिर भी ये सारी बातें तुम्हें अपनी भाभी से नहीं मुझसे कहनी चाहिए थी मैं समझाता नीलम को तुम्हें क्या हक है उससे इस तरीके से बात करने का भैया आज से कुछ दिन पहले भाभी की छोटी बहन पिंकी ने उनसे एक से डेढ़ लाख के करीब पैसे लिए थे उसने भाभी से कहा था कि वो अपना एडमिशन कराएगी इसमें कौन सी नई बात है सिमरन नीलम ने मुझे यह बात बताई थी बात तो यही है भैया कि जो पैसे पिंकी ने भाभी से लिए थे उससे पिंकी ने उस कॉलेज में एडमिशन कराया ही नहीं तुम्हें यह कैसे पता सिमरन भैया मेरे कुछ दोस्त हैं जो पिंकी के भी दोस्त हैं आज से कुछ दिनों पहले वो मुझसे भी लद्दाख जाने के लिए पूछ रहे थे पर मैंने मना कर दिया और पिंकी ने भाभी से झूठ बोलकर पैसे लिए और लद्दाख घूमने चली गई मेरे पास उसकी कुछ फोटोज भी है देखिए नीलम भी ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है नीलम के ससुराल वाले आपस में बात करके यह तय करते हैं कि नीलम की सास उसे समझाएगी कि अब उसे क्या करना चाहिए बहु जो तुम अपने माँ बाप के लिए कर रही हो ना और अपने भाई बहनों के लिए आज के जमाने में वो कोई किसी के लिए नहीं करता मम्मी जी मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ पर वो मेरे माँ बाप हैं उनके लिए करना मेरा फर्ज़ है अरे बहू हम भी तुम्हें अपने माँ बाप के लिए कुछ करने से मना नहीं कर रहे एक बार तुम ये भी तो देखो कि क्या वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे मम्मी जी मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं देखो तुमने हमेशा अपने सारे पैसे सारा प्यार उन पर लुटाया है उन्होंने हमेशा झूठ बोलकर तुम्हारा फ़ायदा उठाया है नीलम जिस तरीके से तुम्हारी बहन ने तुम्हें धोखा दिया है तुम्हारी माँ ने हमेशा तुमसे पैसे लेकर सेव किए हैं तुम्हारे घर वालों ने हर बात तुमसे छुपाई है एक बार तुम भी उनसे झूठ बोल कर देखो क्या वो तुम्हारा साथ देंगे मुझे लगता है आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक बार मुझे भी अपने घर वालों को आजमाना ही पड़ेगा नीलम प्लान बनाती है और अपने क्लाइंट को समझा देती है कि वो एक से डेढ़ महीने तक कोई काम नहीं करेगी नीलम विक्रम से भी कुछ हेल्प लेती है विक्रम क्या आप सिर्फ एक अखबार में ये ख़बर छुपवा सकते हो कि मेरी बनाई हुई एक बिल्डिंग गिर गई हाँ नीलम मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह काम मैं बहुत आसानी से कर दूँगा इस अखबार में ये भी छपवा देना कि आज से मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और मेरी डिग्री भी जब्त कर ली गई है ठीक है नीलम तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए तो वो भी बता दो मैं आपकी बहन सिमरन के साथ अपने घर के आसपास के लोगों से मिलने जाना चाहती हूँ अरे वहाँ जाकर क्या करना है तुम्हें मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को ये बात समझा दूंगी कि जब भी वो मेरे घर वालों को घर से निकलते हुए देखे मेरी तमाम बुराई कर दे विक्रम नीलम के घर पर वो अखबार डलवा देता है नीलम के समझाए हुए रास्ते पर उसके पड़ोसी भी चलते हैं जैसे ही ये खबर पढ़कर नीलम के घर वाले घर से बाहर निकलते हैं अरे देखो देखो नीलम के घर वाले बाहर आ रहे हैं कितनी बेकार लड़की है इनकी लोगों का घर बनवाने की जगह उनका घर गिरवा दिया कितने लोगों का नुकसान कर दिया और सारा माल खा गई और देखो तो अभी खुशी खुशी अपने ससुराल में बैठी है ये सब देख नीलम के घर वाले वापस चले जाते हैं नीलम अपने घर फ़ोन करके सारी बात बताती है माँ जो सब कुछ हुआ उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते इसलिए मैं अपना सामान पैक करके घर वापस आ रही हूँ अरे नहीं नहीं बेटा हम तो हरिद्वार जा रहे हैं आज की हमारी ट्रेन है यहाँ आकर क्या करेगी बेटा तू म तो क्या हो गया आप लोग जाओ मुझे घर की चाबी दे दो मैं अकेले घर में रह लूँगी दीदी आपका दिमाग भी ठीक है घर में अकेले रहना सेफ होता है जो तुम यहाँ रहोगी दीदी कल को कोई ऊंच नीच बात हो गई तो तुम्हारे ससुराल वाले तो हम पे ही चढ़ेंगे ना कि हमने तुम्हें कुछ कर दिया होगा नहीं नहीं तुम वहीं रहो उन्हें मना लो ना विक्रम सब कुछ सुन रहा था विक्रम को अच्छे से ये बात पता थी कि नीलम के घर वाले कोई हरिद्वार वगैरह नहीं जा रहे विक्रम नीलम को लेकर उसके घर के बाहर जाता है और नीलम ये देख चौंक जाती है कि उसके घर में कोई भी ताला नहीं लगा नीलम तुम दोबारा अपनी माँ को कॉल करो और उनसे पूछो कि क्या वो घर पर है माँ आप अशोक और पिंकी को समझाओ ना मुझे मेरे ससुराल वाले ताने मार रहे हैं वो मुझे अपने साथ एक पल भी नहीं देखना चाहते मुझे घर वापस आने दो क्या आप घर पर हो इस वक्त बेटा अब, अब तो घर पर कोई भी नहीं है हम लोग तो हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं माँ फिर तो गेट पर ताला लगा होगा ना हाँ बेटा घर पे तो ताला ही लगेगा ना तो कोशिश कर अपने ससुराल वालों से निभाने की हाँ और हमसे ना अभी फिलहाल दूरी ही बना कर रख वरना ऐसा ना हो कि उन्हें ये लगे कि हम तेरा घर तोड़वाना चाहते हैं भाई ये बात सुनकर नीलम कॉल कट कर देती है और गेट खटखटाती है नीलम की माँ आरती गेट खोलती है और नीलम को देख हैरान रह जाती है मम्मा ने ये सब जानबूझ किया था ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे अपने मेरे साथ क्या कर रहे हैं बेटा ऐसी बात नहीं है तू गलत समझ रही है मां पिंकी ने जो मुझे धोखा दिया उसके बारे में तो मुझे पता चल ही गया था लेकिन आज ये भी पता चल गया कि खून के रिश्ते ही हमेशा अपने नहीं होते कभी कभी गैर होकर भी लोग खून के रिश्ते जैसा एहसास दिला देते हैं तुम्हारे कर्मों की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही अब तुम अपने बेटे से काम करने को कहो और उसके पैसों पर ऐश करो मेरा इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं